The most powerful natural keratin to straighten frizzy hair from the first use. Hair straightening, hair smoothing treatment at home. जी हाँ दोस्तों, आज हम केला यानी के बनाना का इस्तेमाल करके बालों में किस तरीके से कंडीशनिंग ऐड करेंगे। वीडियो के पहले मैं आपको बता दूँ, वार्निंग दे दूँ, काफ़ी लोग ये चक्कर में रहते कि नेचुरली बालों को 100% स्ट्रेट कर लोगे घर पर ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अगर 100% बालों को स्ट्रेट करना है तो आपको रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, केमिकल वाले ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन हम नेचुरल तरीके से बालों का टेक्सचर इंप्रूव करेंगे, बालों में स्मूथनिंग ऐड करेंगे, तो बालों को स्ट्रेट नहीं कर पाओगे जैसे मैंने आपको बताया। तो आज हम बनाना का इस्तेमाल करने वाले, तो आपको सबसे पहले पका हुआ 1 से 2 बनाना ले लेना है, आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आपको बनाना लेना है। और दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार होते हैं, नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। इससे मैंने आपको बताया, आपको बालों की लेंथ के हिसाब से आपको बनाना का इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल शॉर्ट है तो आपको एक बनाना से काम चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बनाना यानी कि केले के फायदे की। तो केले के कंटेंट के अंदर सिलिका मिनरल्स एलिमेंट है जो सिंथेसाइज कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे बाल थिकर स्ट्रोंगर बढ़ते और साइनर भी दिखाई देने लगते। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई गई, जो हमारी फ्लेकी स्कैल्प होती है जहाँ डेंड्रफ बहुत ज़्यादा जम जाता है, उसकी क्लीनिंग करने के लिए, डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपके बाल कर्ली ड्राई डैमेज कॉर्ड्स यानी कि एकदम सूखे बेजान हेयर है तो बनाना आपके बालों को कंडीशनिंग देगा, हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपको एक बनाना लेना है, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। टुकड़े करने के बाद इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना, वो है 1 स्पून करीब कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपके हेयर के टेक्सचर को डार्कन करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे तो आपको कॉफ़ी पाउडर का जरूर इस्तेमाल करना है, ये बालों को सॉफ्टन बनाएगा। हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, हेयर लॉस को रिड्यूस करने के लिए कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये भी बालों को सॉफ्ट करने के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आपको 1 स्पून बनाना के अंदर कॉफ़ी पाउडर को ऐड कर देना है। आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करना, वो है दही यानी कि कर्ड। 2 स्पून करीब आपको कर्ड को भी इन दोनों चीज़ों के अंदर ऐड कर देना है। कर्ड यानी कि दही डेंड्रफ को रिमूव करता है, इसके अंदर विटामिन B5 और D पाया गया है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इचनेस को स्केल्प में से कम करता है, ये भी बालों को सॉफ्ट कर देगा, सिल्की बनाने के लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी स्मूथनिंग क्रीम तैयार है। बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपको सबसे पहले शैम्पू कर लेना है बालों पर, उसके बाद आपके बाल 50% सूख जाए, टॉवल ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्रीम का एप्लीकेशन करना है अपने बालों पर, बिल्कुल अच्छे से लगाना है। और उसके बाद आपको सावर केप से या पन्नी से अपने बालों को कवर करके रखना है 30 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से, लूकवॉर्म वाटर से भी आप बालों को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए।